हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किवानो रिसर्च एंड इनोवेशन चैनल में। आज हम देखने वाले हैं डायनामिक मूवी ऐप कॉन्फ़िगरेशन, जो कॉन्फ़िगर हुआ है डाटाबेस एयरटेबल से। एयरटेबल में हम कैसे इसे कॉन्फ़िगर करेंगे और अपलोड करेंगे। साथ में आपको यहां पर मिलेगी जो एयरटेबल की CSV फाइल है डाटाबेस की, वो और साथ में AIF फाइल। उस पर आपको यूजर ऐप और एडमिन ऐप की जो भी डाटाबेस है वो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। आपको सबसे पहले अपलोड करना होगा AIF फाइल, जो डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोड लिंक दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहले हम फाइल अपलोड करेंगे। ओके, हमारी फाइल अपलोड हो चुकी है। उसके बाद हम जो डाटाबेस है वहां पर CSV फाइल जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिली है उसे अपलोड करना होगा। एयरटेबल में लॉगिन कीजिए, उसके बाद जो आपका प्रोजेक्ट है उसका नाम लिखिए। उसके बाद आपको जो CSV फाइल जो प्रोवाइड हुई है डिस्क्रिप्शन में उसे इंपोर्ट करना है इंपोर्ट डाटा से। आपको यूजर एडमिन ऐप दोनों के फाइल्स अपलोड करना है। सबसे पहले हम यूजर ऐप के अपलोड करेंगे। यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है, जो यूजर नेम है ये एग्जैक्ट वहां पर, जो फाइल का नेम है एग्जैक्ट वहां पर आपको कॉपी करना है। देखिए, इसे रिनेम कर देता हूँ। सेम इसी तरह से हम बाकी भी CSV फाइल अपलोड कर देते हैं। देखिए, यहाँ पर ये नाम जो है कॉपी करना है। सेम टेबल को भी नाम यही देना है, आपका जो टेबल में कॉलम है उसे यही नाम देना है। वन बाय वन आपको सब जितने भी फाइल्स यहाँ पे दिए आपको प्रोवाइड हुई है डाटाबेस की, आपको सबको वहां पे अपलोड करना है। बस उस फाइल को रिनेम करना मत भूलिए। ओके, हमारी ये लास्ट फाइल है यूजर ऐप के लिए। ओके, हमारे सारी फाइल जो यूजर ऐप की है वो अपलोड हो चुकी है। देखिए, ध्यान देना यहां पे कोई भी रो जो है वो खाली नहीं रहना चाहिए, कोई भी सेल खाली नहीं रहना चाहिए। उसके बाद हम अपलोड करेंगे एडमिन ऐप के जो CSV फाइल आपको दिया है उसे अपलोड करेंगे। सेम इसी तरह से आपको अपलोड करना है, जो नाम है उसे कॉपी करना है और वही आपको कॉलम नेम जो है वहां पे रिनेम कर देना है। अगर आप इसी वजह से चलते रहोगे तो कोई भी एरर बिल्कुल भी नहीं आएगा। जो प्रॉब्लम्स इसके पहले हो रही थी, जिन्होंने भी हमसे AI फाइल परचेस किया है उनको बस यही प्रॉब्लम जा रहा था कि वो रीनेम नहीं करते थे, जो टेबल नेम नाम है वह उसको रीनेम नहीं करते थे। ओके, ये हमारी लास्ट फाइल है एडमिन की, उसे अपलोड कर देते हैं। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ये रीनेम जो सेम नेम है वहां पे आपको डालना है, यहाँ पे गलती मत कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, हमारा यूजर और एडमिन दोनों का जो भी डाटाबेस फाइल है वो सेव हो चुका है। अब हम कॉन्फिगर करते हैं हमारा जो API की है और साथ में बेस ID है वो हम ऐप में अपलोड कर देते हैं। ओके, यहां से हमारा बेस आईडी कॉपी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, बेस आईडी और API की आपको आपका डालना है, ना कि जो वीडियो में दिख रहा है वो। आप खुद का क्रिएट कर सकते हैं एयरटेबल में लॉगिन करके। तो इसी तरह से आपको जो फाइल्स है API की और जो बेस आईडी है वो वहां पे प्लेस कर देना है, साथ में टेबल नेम
टेबल नेम ही आप देखिए उस तरह से एज इट इज कॉपी कीजिए। आपको जैसा टेबल नेम दिख रहा है टेबल नेम वही रखिए, उसे चेंज मत कीजिए। देखिए यहाँ पे टेबल जो दिया है वही नाम रखिए, तो कोई एरर बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हैं जो न्यू यूजर है, जो अभी अभी सीखे हैं या सीख रहे हैं, ये वीडियो को थोड़ा स्लो कीजिए, क्योंकि ये वीडियो एक्सपर्ट के लिए है जो इसके पहले ऐप बना चुके हैं या जिसने ये AI फाइल परचेस किया है। फ्रेंड्स, इसका जो डेमो ऐप है, जो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप उसको एक बार जरूर डाउनलोड करके चेक कर लीजिए कि वो वर्क कैसा करता है। उसके जो फंक्शंस है उसमें आपको और क्या क्या ऐड आपको चाहिए आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने जितने भी एयरटेबल वहाँ पे कनेक्शन दिया था सब में हमने चेंजेस कर दिया है। टेबल नेम भी आपको आपका वहाँ पे प्लेस कर देना है, मैंने पहले यहाँ पे डाल के रखा है, तो आप प्लीज़ आप खुद डालिए, वन बाय वन चेक कीजिए। यहाँ पे आपको वन सिग्नल ऐप आईडी और API की डालना है, वन सिग्नल की आपकी डालिए फ्रेंड्स, यहाँ से कॉपी मत कीजिए। जो नोटिफिकेशन आपको आएगा इसी नोटिफिकेशन से आएगा, वन सिग्नल नोटिफायर से। ओके, यहाँ पे देखिए सेटिंग में जाइए, यहाँ पे पब्लिश में, यहाँ पर नीचे में आइए API की में, यहाँ पर आपको वन सिग्नल आईडी प्लेस कर देना है, यहाँ पर भी और जो एक्सटेंशन हमने दिया है वहां पर भी। ये यूजर ऐप के बारे में देख रहे हैं फ्रेंड्स, सेम चेंजेस आपको ऐप एडमिन में भी करना है। और फ्रेंड्स, सबसे ध्यान देने वाली बात है, बहुत ज़्यादा जो यूज़र है मुझे पूछ रहे थे कि ये जो ऐप है सिर्फ यूट्यूब के वीडियो को ही प्ले करता है क्या, तो फ्रेंड्स ये जो डेमो बना है ये यूट्यूब के वीडियो के लिए है, लेकिन आप इसे एक्सो प्लेयर या अदर वेब प्लेयर के लिए भी बना सकते हैं। वहाँ पर आपको सिर्फ यूट्यूब के एक्सटेंशन की जगह एक्सो प्लेयर डालना है, ये वीडियो ज़रूर प्ले हो जाएगा, या एक्सटर्नल कोई आप ऐप यूज़ करते होंगे प्लेयर के लिए तो वो भी प्ले हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम इसे लाइव एक बार टेस्ट जरूर करके देखना चाहिए, तो हम देख रहे हैं। ओके, ये कंपेनियन हमारा ऑन हो चुका है, हमारा फोन जो है कनेक्ट हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर हमारा जो लाइव कनेक्शन है इस ऐप का कनेक्ट हो चुका है, और देखिए यहाँ पर जो है इमेजेस लोड भी हो रही है, हिंदी मूवी, साउथ इंडियन, हॉलीवुड मूवी, सब की सब मूवी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, वो भी HD। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एक्सटेंशन यूज किया गया है यूट्यूब का, एक्चुअली जब आप प्ले करोगे इस वीडियो को तो आपको एक भी एड वहाँ पे शो नहीं होगा। जो एड आपको YouTube में दिखेगा वो एड्स यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिखेगा आपको। आप एक बार इस ऐप को डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है इसे डाउनलोड करके एक बार देख लीजिए, आप जैसा चाहे यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। बहुत लोगों ने इसे डाउनलोड किया है, थैंक यू सो मच, इसे परचेस किया है, इसके लिए थैंक यू। आप भी इसे परचेस करके मन चाहे इसे डिजाइन देके आप जितने मूवी आप अपलोड करना चाहे वो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं बहुत से यूजर के जो डाउट्स थे यहां पर क्लियर हो चुके हैं, तो आप ये चेंज जरूर कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।